अपराध मुक्त प्रदेश बनाने का दावा करने वाली बीजेपी की सरकार में यूपी में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। महिलाओं पर तरह तरह के हमले आम बात बनते जा रहे हैं। बरेली जिले का नवाबगंज थाना अब महिलाओं का हिंसक हमलों की तोहमत झेलने को मजबूर है। कभी रंजिश में तो कभी कहीं जलन आवेश में यहाँ लोग महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ के लिए उतावले बने हुए हैं और नेतागिरी के दबाव में पुलिस महज कानूनी कार्रवाई निपटाने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रही है। आज सुबह भी दबंगों ने रंजिश में दो सगी बहनों को तेजाब डालकर मारने की कोशिश की। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र के टांडा सादात गांव की है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद नबी की दो बेटियां घर के आंगन में मच्छरदानी लगाकर एक ही चारपाई पर सो रही थी। गांव के ही चार युवक बीती रात करीब 3 बजे घर में घुसे और मच्छरदानी के ऊपर से नाबालिग किशोरियों पर तेजाब फेंक दिया। तेजाब की जलन से जैसे ही दोनों बहनें चिल्लाईं तो आरोपी वहां से भाग निकले। लड़कियों की चीख सुनकर भाइयों ने सोचा कि शायद चोटी काटने की घटना हुई है। भाइयों ने दोनों बहनों को कुछ सोचे समझे मच्छरदानी से बाहर खींचने की कोशिश की। इस कोशिश में दोनों भाई भी तेजाब की चपेट में आ गए और उनके हाथ झुलस गए। दोनों बहनों और भाइयों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़ित किशोरियों के पिता मोहम्मद नबी के अनुसार उसने गांव के चारों युवक को घर बाहर भागते हुए देखा। सब सो रहे थे, मतलब चारों तरफ हम लोग अंदर सो रहे थे, भाई बराबर में, और दो बहनें यहाँ पर लेटी। आपको कैसे पता चला? सब गदर हुआ जब यहाँ पता चला। किस तरह से? जब उनके ऊपर तेजाब पड़ा था तो वो किया ही नहीं, तो बड़े भाई ने मतलब कोरिया था उन्हें, जब ही गदर हुआ था जब यहाँ उठे ये कैसे पता चला कि तेजाब ही है या कुछ और है? मतलब उस टाइम तो कुछ नहीं पता था, वो तो जो समझ रहे थे और कुछ है, बाद में पता चला था जब उनके हाथ उन्होंने कोरिया था, हाथ में कट उठ गए थे, जब पता चला था तेजाब डाल दिया। पुलिस ने पीड़ित किशोरियों के पिता की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं पुलिस मामले में एक एंगल तलाश रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी के साथ मोहम्मद नबी का एक दिन पहले पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। साथ ही मोहम्मद नबी की पहली पत्नी से भी उसका पारिवारिक न्यायालय में वाद चल रहा है। साथ ही पुलिस की जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि बंद घर के अंदर आसानी से घुसने पर भागने की कहानी में कोई साजिश तो नहीं है। गौरतलब है कि बीते 11 अगस्त को ही नवाबगंज थाना क्षेत्र में देवरनिया गांव में दो युवकों ने हसद और एक तरफा प्यार में दो बहनों को पेट्रोल डालकर जला दिया था। बाद में दोनों बहनों की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। एक माह पहले बहेड़ी में भी एक किशोरी पर सोते समय तेजाब फेंक कर उसका चेहरा जलाया गया था। हालांकि दोनों ही मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या रंजिश, जलन, आवेश लोगों के दिल पर इस कदर हावी है कि मासूम जिंदगियों को जिंदगी भर का दर्द दे दे। नवाबगंज में टाडा सादात गांव है, इसमें रात में 3 बजे के आसपास घटना बताई जा रही है, इसमें दो बहनों पर तेजाब डालकर डाला गया है, इसकी वजह से वो झुलस गई है। FIR दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। इसके फादर ने 4 लोगों का नाम लिया है, जिसमें से 3 लोग हमने हिरासत में ले लिए हैं, पूछताछ कर रहे हैं और हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टीमें लगी हुई है, जल्दी ही वर्कआउट कर लें। मेरे अस्पताल में आज 2 लड़कियाँ एडमिट हुई हैं, रुखसाना और सबीना नाम की। रुखसाना की एज लगभग होगी 17 साल की और सबीना 15 साल की है, और ये 7:15 बजे के आसपास एडमिट हुई हैं। गांव है इनका चांदा सद्दा, सेथल के पास पड़ता है गांव। ये एसिड अटैक की लड़कियां हैं, जो छोटी लड़की है उसके ज़्यादा बर्न है, पूरा चेस्ट, स्कल, अपर लिम पे है, उसके चेस्ट पे है, काफ़ी बर्न है उसका, 65% के अराउंड बर्न है उसका, उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। और दूसरी लड़की रिमिना जो है उसके फेस पर है और चेस्ट पर थोड़ा सा है, उसका परसेंटेज कम है, 35% के आसपास है, और उसको बचाने में उसके 2 भाई थे, दोनों ने उसको बचाने की कोशिश करी, उनके भी हाथ हाथ जल गए हैं बच्चों के। एक छोटा है, थोड़ा बड़ा है, 17-18 साल का छोटा बच्चा है, 10-12 साल का। ये हमारे एडमिट हुए हैं, तब से हमारी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, लेकिन इनको हमने बर्न यूनिट के लिए
लखनऊ के लिए रिफंड उनको करने के लिए कहा है इनको, अगर तैयार हो जाते हैं तो उनको भेज देंगे ALS से। जैसे एडमिट हुए और तब से अब तक उन पेशेंटों की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं या फिर अभी कंडीशन स्टेबल है? दोनों की कंडीशन स्टेबल है सच।